हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद सोनाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी गट्टे की सब्जी। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक कप बेसन ले लेते हैं, इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ सूखे मसाले, धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक थोड़ा सा और लेंगे 3 चम्मच दही। दही के साथ ही इसे पूरा हमें मिक्स करना है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लेंगे, इससे स्वाद और अच्छा आएगा। इसका एक डो तैयार कर लेंगे। इसमें पानी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, दही से ही कर रही हूँ। थोड़ा तेल लगा के एक नरम सा डो तैयार करेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। फिर हम अपने हाथों को साफ करके इसका हम गट्टा बना लेंगे। इस तरह से लंबे लंबे इसको रोल कर लेंगे और इनको उबलते पानी में डालेंगे। पानी उबलने के बाद ही डालें, वरना ये बाइंडिंग छोड़ देगा। और 5 से 10 मिनट उबालने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। तब हम इन्हें निकाल के साइड में रख लेंगे। ये जो पानी है इसे फेंकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तेल गरम करिए, एक बड़ा इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, तेजपत्ता, प्याज और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे इन्हें। देखिए फ्राई हो गए। अब डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें भी थोड़ा देर हम फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। फिर हम दही में मिक्स कर लेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे दही के साथ और इसको हम डालेंगे अपने मसालों के ऊपर। इसे अब हम मसालों के ऊपर डाल देते हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। मैंने गैस को बंद करके इसमें डाला था, आप जैसा डालना चाहे वैसे डाल सकते हैं, पर मैं गैस बंद करके डालती हूँ। देखिए तेल रिलीज़ हो गया मसालों से। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला है। इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे और ये गट्टा उबला हुआ पानी, जितना ग्रेवी आपको रखना है उतना पानी आप डाल लें। और इसमें डालेंगे हमारे गट्टे। गट्टों को मैंने काट लिया था पीसेज में। ग्रेवी में उबाल आने से पहले ही गट्टे ऐड करेंगे, फिर इसे ढक देंगे, ढक के 10 मिनट छोड़ेंगे। फिर इसमें धनिया डाल के इसे गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तैयार है हमारे गट्टे की सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, मुंह में घुल जाने वाले गट्टे हैं। बहुत ईजी है, आप भी ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।